सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट इंस्टाग्राम की तरफ से इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करने की वजह से डिसेबल हो गया है तो आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को दोबारा से रिएक्टिवेट कैसे कर सकते हो, दोबारा से उसको पहले की तरह कैसे चला सकते हो। दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि इंस्टाग्राम की कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस है जिसको हमको फॉलो करके चलना पड़ता है। अगर हम उनकी गाइडलाइंस को ब्रेक करते हैं, वायलेट करते हैं तो हमारा अकाउंट तुरंत डिसेबल कर दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई ये हमारा डिसेबल क्यों हुआ है, क्योंकि कई लोगों को तो यही नहीं पता है कि हमारा डिसेबल क्यों हुआ है अकाउंट। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने किसी पे सेक्सुअल कंटेंट शेयर किया है या फिर आपने सेक्सुअल कंटेंट अपलोड किया है तो तब भी आपका अकाउंट डिसेबल हो गया होगा, या फिर आप अगर कमेंट बॉक्स में किसी के गाली वगैरह लिखते हो या फिर आप न्यूड फोटोज वगैरह किसी को भेजते हो तो उस बंदे ने अगर आपके मतलब अकाउंट की रिपोर्ट कर दी है तो आपका अकाउंट वहां पर डीएक्टिवेट कर दिया जाता है या फिर डिसेबल कर दिया जाता है। और जो फॉर्म मैं दूंगा उस फॉर्म को अगर आप लोग सही से भरोगे तो आपका 100% तक भी आपका अकाउंट जो है वो वापस आ सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। और वीडियो में यहां तक आई गई तो जल्दी से आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को आप लोग क्लिक कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफाई करवा दो, यानी कि जो मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोग उसको देख सको। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ से आपको एक फॉर्म मिल जाएगा इंस्टाग्राम का जो कि आपको इंस्टाग्राम फॉर्म फॉर डिसेबल्ड अकाउंट के नाम से दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, उसको आपको ओपन कर लेना है। गाइज आप लोग जैसे ही इस वाले फॉर्म को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा वैसे आप लोगों को स्टेप्स फॉलो करना है। सो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले ये आप लोग पढ़ ही सकते हो, माई इंस्टाग्राम अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड, इफ़ यू बिलीव दैट योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड बाई मिस्टेक प्लीज provide the following information so that we can investigate। यानी कि ये हम फॉर्म भर के अगर उनके पास भेज देंगे तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हमारे चैनल पर कुछ ऐसा है या नहीं है और वो हमारा अकाउंट ओपन कर देंगे अगर हमारे चैनल पर कुछ गंदा नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने को मिलता है इज दिस अकाउंट यूज टू रिप्रेजेंट ए बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस। सो गाइस सबसे पहले तो अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप बिजनेस पर येस पर क्लिक कीजिए, अगर बिजनेस अकाउंट नहीं है तो आप नो पर क्लिक कीजिए। मेरा बिजनेस अकाउंट नहीं है इसलिए मैं नो पर क्लिक करता हूँ। नो पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके सामने फुल नेम का ऑप्शन आ जाएगा। सो गाइज यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डाल देना है, तो जल्दी से मैं अपना फुल नेम डाल देता हूँ। अपना नहीं, मेरे एक सब्सक्राइबर का नाम है वो डाल देता हूँ, उनका अकाउंट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। सो गाइज आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर उनका नाम डाल दिया है। अब नीचे आप लोग देख सकते हो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा योर इंस्टाग्राम यूजर नेम। सो गाइज यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सिंपली आपका जो यूजर नेम था इंस्टाग्राम का वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कॉपी करके तो आप पेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि इंस्टाग्राम डिसेबल ही हो गया है, तो आपको यूज़र नेम तो याद ही होगा, वो आप लोग यूज़र नेम यहाँ पर डाल दो। तो जल्दी से मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ। सो गाइज जल्दी से मैं यहाँ पर यूज़र नेम डाल देता हूँ, ये कोई और यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो गाइज आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर यूज़र नेम डाल रहा हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पर यूज़र नेम डाल दिया है, जो भी आपका यूज़र नेम है वो आप लोग करेक्टली यहाँ पर डाल सकते हो। यूज़र नेम के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे तीसरा ऑप्शन देखने को मिलता है योर ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर आप लोग वही ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना जो आपके अकाउंट से लिंक थी। अगर आपके अकाउंट से कोई जीमेल एड्रेस लिंक नहीं थी तो आप अपनी कोई भी एक्टिव मेल यहाँ पर डाल सकते हो। तो जल्दी से मैं मेल डाल देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो मेल मेरे अकाउंट से लिंक थी वो मैंने डाल दी है। अब गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको जो लास्ट ऑप्शन दिखाएगा विच कंट्री आर यू कॉन्टैक्टिंग अस फ्रॉम, यानी किस कंट्री से आप हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको इंडिया लिख देना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इंडिया लिख देता हूँ, इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद गाइज आप लोग देख सकते हो एक बार सही से अपनी सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लेना। सही से सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद यहाँ पर आपको सेंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। सो गाइज सेंड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, इसका मतलब है कि जो आपने उनको रिपोर्ट डाली है, जो आपने फॉर्म भरा है वो फिल हो चुका है। अब आपको करना क्या होगा, अब आपको करना होगा वेट करना होगा आपको 48 से 72 घंटे का। 48 से 72 घंटे में आपको एक मेल आएगी, जो आपने मेल डाली होगी जीमेल, उस मेल पर यानी कि एक ईमेल आएगी और वो बता देंगी कि आपको आपका अकाउंट ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। आई होप आप सभी के अकाउंट ओपन हो जाएंगे, अगर आप सही से फिल करोगे सारी चीज़ तो आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। जय हिंद जय भारत।